हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग AS4 के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की बात करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने AS4 के पहले वीडियो में देख रखा है कि ये क्या है, इट इज अबाउट कंटिजेंसी एंड इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, यही था ना? वो हम लोगों ने देख लिया था। अब हमारी बारी थी कि भाई इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करें, तो मैं जरा रिवाइज करा देता हूं कि कंटिजेंसी, सॉरी, इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट वो सिग्निफिकेंट इवेंट है विच अकर आफ्टर द बैलेंस शीट डेट बट बिफोर द डेट ऑफ अप्रूवल बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाई कंपिटेंट ऑथोरिटी। दो तरह का होता है ये, एडजस्टिंग इवेंट, नॉन एडजस्टिंग। एडजस्टिंग वो है जिसके बारे में पहले से एविडेंस पता हो, कंडीशंस एग्जिस्ट करती है बैलेंस शीट डेट पे। नॉन एडजस्टिंग वो है जिसके बारे में पहले से पता नहीं है, और एडजस्टिंग का हमें एडजस्टमेंट करना होगा एसेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंसेज में। नॉन एडजस्टिंग हमें एडजस्टमेंट नहीं करना, केवल आप इसको रिपोर्ट कर सकते हैं जब तक कि गोइंग कंसर्न एग्जम्पशन हमारी सीज नहीं होती। ठीक है बालक, अब चलिए इस बात को हम जरा कुछ क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन कहीं और देखने की बजाय हम चाहते हैं कि पहले आप सीधा CA इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस को देखिए, और कम नहीं है, और मैंने महसूस किया है कि वही क्वेश्चंस बार बार रिपीट होके आते हैं और कुछ अलग से नहीं आता। अगर ऐसी बात है तो आइए जरा देखें। क्या कहता है हमारा CA इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल और उसमें किन क्वेश्चंस की चर्चा की गई है? देखिए साहब, ये सीधा CA इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से मैंने आपके लिए लिया है। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 1, CA इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल क्या कहता है, देखिए तो जरा। दोस्तों ये कहता है कि कंपनी एक्शन कंपनी, पहले क्वेश्चन समझिएगा, टेप्ड ऑफ कैश 5 लाख बाई द कैशियर, ये बोला है ना, बाई द कैशियर इन जनवरी 2017 और डिटेक्टेड इन मई 2017 होना चाहिए था, मई 2017। द अकाउंट्स आर नॉट अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वेदर द कैश टू बी अकाउंटेड फॉर दियर एंडेड 31/3/2017। तो बेटा इस क्वेश्चन को आप जरा समझिए, देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से, पहले क्वेश्चन समझा रहे हैं दोस्तों, प्रैक्टिकल तो बाद में कर लेंगे, कि ये 31/3 है ना, जिस दिन को हमारा बैलेंस शीट बन रहा है, देर इज ए थेफ्ट ऑफ कैश हेयर इन जनवरी 17, बट इट कुड नॉट बी डिटेक्टेड, इट कुड बी डिटेक्टेड ओनली ऑन दिस डेट, विच डेट, मई 2017, एंड स्टिल द ऑडिट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट येट अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये कैसी इवेंट है, या ये इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट है भी कि नहीं है, और जब पता चल जाए तो आपको देखना पड़ेगा दोस्तों ये कैसी इवेंट है, और जब पता चल जाए कि कैसी इवेंट है फिर हम आपसे बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए जरा आप अपने इस कॉन्सेप्ट को जरा ध्यान दें, ये क्या कहता है कॉन्सेप्ट। आइए दोस्तों इसको एक बार फिर से हम लोग देखें कि भाई क्या है इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। भाई इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट वो सिग्निफिकेंट इवेंट है जो बैलेंस शीट डेट के बाद होते हैं, नो प्रॉब्लम, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरी जो बात है वो ध्यान देने की है, और ये बात है कि बिफोर द अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाई द कंपिटेंट ऑथोरिटी, है ना?
बिफोर अप्रूवल बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, अगर इस क्राइटेरिया को हम लोग लेके चलें तो फिर वैसे सिचुएशन में मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन के अंदर, स्टडी मटेरियल क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ये बात तो क्लियर है। फिर से देखिए कि 31/3/2017 को आप बैलेंस शीट बनाइए, चोरी यहां हो चुकी है, इवेंट यहां हो चुकी है, लेकिन इसका डिटेक्शन यहां कहीं मई 2017 में हो रहा है, तो ये और अभी अप्रूवल नहीं हुआ है, अप्रूवल कहीं बाद में होने वाला है, तो ये तो क्लियर है कि इस बीच में अगर हो रहा है तो ये इवेंट अक्रिंग आफ्टर, इवेंट अक्रिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट है, इवेंट अक्रिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट है एज पर S4, इतना तो हम कह ही सकते हैं। आप कहेंगे कैसे सर, तो जरा एक बार फिर से देख लीजिए, वो सारे सिग्निफिकेंट इवेंट है ना, वो सारे सिग्निफिकेंट इवेंट जो इस बीच में, इस दरमियान में हुए हैं, उन्हीं को तो बोलते हैं इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। इससे तो तय है कि ये है, तो बताइए दोस्त, इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट है। अब इस बात को जरा तरीके से हम लोग लिख के देखते हैं, कैसे लिखेंगे। जब भी कोई एस का क्वेश्चन लिखिए तो अपने आंसर को कोशिश कीजिए 3 भागों में डिवाइड करने का। आप क्यों ऐसा कह रहे हैं, किस प्रोविजन में वो बात लिखी गई है, आप उसको रिलेट कीजिए। मैं ऐसा कह रहा हूं इसलिए आंसर सही है, ये बात सही नहीं है। कोई एस, कोई एक्ट, कोई रूल ऐसा कह रहा है तब ये बात मेरी सही है, इसलिए पहले प्रोविजन बताइए, फिर उस प्रोविजन के साथ इस केस को आप रिलेट कीजिए। ये है हमारा सेकेंड पार्ट, और तब उसके बाद आप निकालिए कंक्लूजन, यस नो, सही गलत, क्या करना चाहिए वगैरह वगैरह। तो आपका आंसर 3 पार्ट में अगर फॉर्म हो, वो तो रेयर केस में ऐसा होगा जब 2 पार्ट में मामला निपट जाएगा, अदरवाइज 3 पार्ट में दोस्तों अगर आपका आंसर फॉर्म हो तो इससे बढ़िया कोई बात हो नहीं सकती। किसी भी तरह के लीगल क्वेश्चंस का आप आंसर इसी तरह से लिखने की कोशिश करें, कोई भी लीगल क्वेश्चन हो, लीगल केस लॉ हो, तो आप ऐसे ही करने की कोशिश करें, एस भी ऐसा ही है। तो आइए दोस्तों अब हम इसके आंसर को लिखने की कोशिश करते हैं। लिखिए सॉल्यूशन, कौन सा क्वेश्चन था, स्टडी मटेरियल सीए इंस्टीट्यूट क्वेश्चन नंबर 1। लिखिए एज पर AS4, हम चाहें तो उसका नाम भी दे सकते हैं इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, लेकिन यह जरूरी नहीं है। इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट आर दोज सिग्निफिकेंट इवेंट्स विच अकर बिटवीन बैलेंस शीट डेट एंड डेट ऑफ अप्रूवल बाई डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टेटमेंट बाई कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज या अथॉरिटी। ठीक बात है,
यही AS4 की डिफिनेशन थी जो हम लोग लिख लिया। अब इस क्वेश्चन में देखिए, इन द गिवेन केस सिंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट येट अप्रूव्ड बाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, देयरफोर इट इज एन इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डे, इट इज एन इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। हम इस बात को मानना होगा, ठीक है। अब दोस्तों, अगर ऐसी बात है, इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट है, तो देखना यह पड़ेगा कि एडजस्टिंग है या नॉन एडजस्टिंग है। तो हम आगे लिखेंगे, अगेन सिंस थेफ्ट वाज मेड इन मे 2000 में नहीं, इन जनवरी 2017 इटसेल्फ ऑल्दो डिटेक्टेड After balance sheet date, although detected after balance sheet date, it is an adjusting event आप कहेंगे क्यों सर? तो मेरा जवाब है, बिकॉज कंडीशंस में चोरी तो हो ही गई थी, वाज एग्जिस्टिंग ऑन बैलेंस शीट डेट। चोरी तो हो ही गई थी, थेफ्ट तो पहले से ही था, ठीक है कि नहीं? अब कंक्लूजन लिखें, देयरफोर इट शुड बी एडजस्टेड या इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज लॉस इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ईयर 2016-2017 एज एडजस्टिंग इवेंट, या एज पर प्रोविजंस ऑफ AS4। तो ये है मेरे तरफ से दोस्तों आपका जवाब। जरा देखिए मैंने क्या क्या किया है,
आप ध्यान दें, मैंने पहला पार्ट बनाया, ध्यान दिया आप? क्या था पहला पार्ट? प्रोविजन। मैंने कहा कि भाई ये वो हैं जो सिग्निफिकेंट इवेंट विच अकर्स बिटवीन द बैलेंस शीट डेट एंड द डेट अप्रूवल बाय द कंपिटेंट ऑथोरिटी। फिर मैंने आपका जवाब बनाया दूसरा कि भाई इसको हम कहेंगे इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। ठीक बात है कि नहीं? इसको हम कहेंगे इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। उसी के दूसरे पार्ट में कि ठीक है भाई कहेंगे तो कैसे कहेंगे, तो मैंने कहा जी हम इसको कहेंगे एज एडजस्टिंग इवेंट। और फिर दोस्तों तीसरे पार्ट में सर ने आपके लिए कंक्लूजन की बात करी कि देखो भाई ये है इसका कंक्लूजन। ठीक है, तो कैसे शुरू करना है? पहले प्रोविजन देना है दोस्तों, फिर उसके बाद उसे केस से रिलेट करना है, और जब केस से रिलेट हो जाए तब उसके बाद हमें अपना अपना जो हमें अपना ओपिनियन लगता है दीजिए। आप इसकी बिल्कुल चिंता ना करें कि हम अपना ओपिनियन क्या दे रहे हैं, लॉजिकल ओपिनियन देंगे। कई बार अब आदमी 10 ओपिनियन देगा एग्जाम में तो एकाध गलत भी हो सकता है, कोशिश करें गलती ना हो, लेकिन होता भी है। और ओपिनियन देने का तरीका बेटा सही है तो इंस्टीट्यूट में आपको नंबर दिए जाएंगे, पूरे तो नहीं मिलेंगे लेकिन इंस्टीट्यूट में आपको नंबर मिलेंगे जरूर, चलेगा? तो आइए इसी बात पे अब पढ़ते हैं स्टडी मटेरियल, सीए के स्टडी मटेरियल से नंबर 2। ये देखिए साहब, अब तो चोरी कराया, अब जरा आग लगाते हैं। देखिएगा, अर्थक्वेक ने बर्बाद कर दिया हमारे वेयर हाउस को, ACO लिमिटेड 20/5 को। फिनेंशियल ईयर खत्म हो गया था अकाउंटिंग ईयर 31/3 को, हालांकि बुक्स बाद में अप्रूव हुआ। लॉस 30 लाख का है, रीजन के द्वारा बताइए एडजस्टिंग है और नॉन एडजस्टिंग है, और अगर ऐसा है तो इफेक्ट ऑफ लॉस को कैसे डिस्क्लोज करेंगे। तो इसमें 2 क्वेश्चन है, एक तो है कि बताइए एडजस्टिंग है या नॉन एडजस्टिंग है, और दूसरा है हाउ द फैक्ट ऑफ लॉस टू बी डिस्क्लोज बाय द कंपनी, इस तरह के लॉस को हम कैसे डिस्क्लोज करेंगे। ठीक है, तो फिर ऐसे सिचुएशन में आपको सबसे पहले बात करनी पड़ेगी कि ये है क्या। ये तो तय है कि बैलेंस शीट डेट और अप्रूवल के डेट के बीच में है, तो इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट तो है, इससे कोई मना नहीं कर सकता। बट वो भी तो 2 तरह का था ना, ये इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट तो 2 तरह का था। जरा इस पे आइए, जरा कॉन्सेप्ट पढ़ के मुझे जज करके बताइए जरा, मैं आपको समय देता हूं 1-2 मिनट का। प्लीज फॉर्म योर ओन ओपिनियन, प्लीज अपना आप ओपिनियन फॉर्म करके मुझे बताइए कि सर मेरे हिसाब से ये एडजस्टिंग है या नॉन एडजस्टिंग है, बताइए जरा आप खुद से करके बताइए। पहला क्या कहता है? पहला कहता है विच प्रोवाइड फर्दर इविडेंस फॉर द कंडीशन प्रिवेलिंग और बैलेंस शीट डेट। जरा बताइएगा मुझे, क्या भूकंप आएगा इस बात की जानकारी आपको बैलेंस शीट डेट से पहले थी? नहीं, साफ साफ बताइए कौन से महीने में? 20/5 को मई महीने में भूकंप आएगा, इसकी जानकारी तो आदमी को 2-3 महीने पहले ही आ जाता है टेलीविजन वगैरह पे, न्यूज पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, आपके दोस्त आपको बताते हैं देख भाई सावधान रहना भूकंप आने वाला है, हाँ है ना? नहीं नहीं सर, ऐसा कहां होता है, ऐसा नहीं होता। इसका मतलब ये वाला है क्या, फॉर विच नो कंडीशन एग्जिस्टिंग ऑन बैलेंस शीट डेट? भाई मुझे तो ये लग रहा कि फॉर विच नो कंडीशन एग्जिस्टिंग ऑन बैलेंस शीट डेट, तो ये तो तय हो गया कि ये कौन सी इवेंट है, ये है इवेंट विच इज नॉन एडजस्टिंग, पढ़ लिया। लेकिन बेटा नॉन एडजस्टिंग इवेंट में कुछ और भी पढ़ना था, ये पढ़िए कि वैसे तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, ये मैं एग्री करता हूं, लेकिन आपको भी एग्री करना पड़ेगा कि अगर इसके चलते गोइंग कंसर्न एजम्पशन सीज हो रही है, ये वर्ड का ध्यान देना गोइंग कंसर्न एजम्पशन, तो फिर खैरियत नहीं है बच्चों आपकी, फिर राहत ना है। अगर गोइंग कंसर्न एजम्पशन सीज हो रहा है तब आप कैसे कह सकते हैं
कि अभी भी नॉन एडजस्टिंग है, पढ़िए क्या लिखा है, देन इट बिकम्स एडजस्टिंग इवेंट। साफ साफ आपका एस फोर कहता है कि अगर पहले से कंडीशन सॉरी पहले से कंडीशन अवेलेबल नहीं था, कोई बात नहीं मत रखिए। फिर सुनिए, अगर पहले से कंडीशन अवेलेबल नहीं था कोई बात नहीं, लेकिन घटना इतनी खतरनाक है, इतनी भीषण है, 30 लाख रुपए का हमारा नुकसान हुआ, देख रहे हैं आप, 30 लाख। क्या उस नुकसान को हमें झेल पाने की क्षमता है? क्या उस नुकसान के बाद भी हमारा गोइंग कंसर्न एजम्पशन चलेगा? आपको एक लेटेस्ट एग्जांपल बताता हूं। पीछे सुप्रीम कोर्ट ने या ट्राई ने कोई केस किया था जिसमें सभी टेलीकॉम, चाहे वोडाफोन या एयरटेल, इन सबके ऊपर आया कि भाई आपको 30-30 हजार करोड़ की पेनाल्टी देनी पड़ेगी। क्या जानते हैं आप, इस केस के आने के बाद एयरटेल का बयान आया कि हमें लगता है कि अब हम गोइंग कंसर्न एजम्पशन के रूप में नहीं चल पाएंगे, मतलब हमें लगता है कि अपना आप दाना पानी बंद करना पड़ेगा, अपना बोरिया बिस्तर समेटना पड़ेगा, यही तो है गोइंग कंसर्न, इतना नहीं दे सकते पैसा, सॉरी हमें इतनी क्षमता नहीं है, हम लगता है बिजनेस अपना बंद कर देंगे। वोडाफोन ने तो अनाउंस भी कर दिया कि हम जा रहे हैं भाई, ओके बाय टाटा। उसी तरह से यहां है, क्या आपकी कंपनी की इतनी क्षमता है कि आप झेल पाएंगे? अगर झेल पाएंगे तब हम आपसे कुछ नहीं कह रहे, लेकिन नहीं झेल पाएंगे तो ये एक्सेप्शन के अंदर आएगा। इसलिए अपना ओपिनियन फॉर्म करते समय मेरे बच्चों आपको यह ध्यान देना पड़ेगा कि ऑल्दो द इवेंट इज नॉन एडजस्टिंग बिकॉज नो कंडीशन वॉज एक्सचेंजिंग ऑन द बैलेंस शीट डेट, लेकिन क्या गोइंग कंसर्न एग्जम्पशन अभी भी है? तो फिर कोई बात नहीं, और नहीं है तो यू हैव टू अकाउंट फॉर दिस इन द बैलेंस शीट इटसेल्फ एज एन एडजस्टिंग इवेंट। आपको एक एडजस्टिंग इवेंट के तौर पे इसको अकाउंट करना पड़ेगा, और एडजस्टिंग इवेंट मतलब बात करनी पड़ेगी। तो बोलिए कैसे ओपिनियन फॉर्म करना है, माइंड में बात जा रही है, सारी बातें बेटा भुला दीजिए, अभी सब कुछ भुला दीजिए, बस इतना याद रखिए कि अगर बैलेंस शीट और डेट ऑफ अप्रूवल के बीच में है तो ये इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट है, और ये दो तरह का हो सकता है, एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग, पहले से पता था तो एडजस्टिंग, पहले से नहीं पता था तो नॉन एडजस्टिंग, लेकिन नहीं पता था और घटना इतनी खतरनाक है कि हमारे गोइंग कंसर्न एग्जम्पशन को सीज कर देगा, इट बिकम्स एडजस्टिंग इवेंट। ठीक बात है, चलिए अब कैसे लिखते हैं। देखिए पता होना और बात है और उसको कॉपी पे उतारना और बात है, मैं आपको लिख के दिखाता हूं, आप भी ध्यान से देखिएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन है दोस्तों सीए के स्टडी मटेरियल का नंबर 2, ठीक है, और ये जो मैं स्टडी मटेरियल बोल रहा हूं बिल्कुल लेटेस्ट है, जो मई 2020 के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है, दिस इज फॉर मई 2020, नवंबर 2020 के भी स्टूडेंट हो तो आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे अगर चेंज आएगा तो फिर आप देख लीजिएगा, साल भर का तो खैर कोई नहीं, बीच में चेंज आएगा तो मैं बता दूंगा। आइए पढ़िए, लिखिए, एज पर ICAI स्टडी मटेरियल, उसका क्वेश्चन नंबर 2 है, एज पर S4, चाहे तो आप नाम भी लिख दीजिए, सिंस अर्थक्वेक इज आफ्टर बैलेंस शीट डेट एज ऑन 20 मई 2017, बट बिफोर द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देयरफोर इट इज एन इवेंट अक्रिंग आफ्टर बैलेंस शीट, बट
फॉर अर्थक्वेक नो एविडेंस कैन एग्जिस्ट प्रायर टू अर्थक्वेक देयरफोर इट इज एंड यह ए नॉन एडजस्टिंग इवेंट एज पर एस फोर। देखिए दोस्तों मैं ये आंसर लिख रहा हूं, ये मैं नहीं, ये तो आपको स्टडी मटेरियल में मिल जाएगा, लेकिन क्वेश्चन को आंसर से कैसे पहुंचा रहा हूं ये वीडियो इसमें आपको मदद करेगी बेटा। आंसर तो आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, अपना स्टडी मटेरियल आप खोल कर देख सकते हैं, बट हाउ दैट ओपिनियन इज फॉर्म्ड उसके लिए जो मैं क्वेश्चन को समझा रहा हूं और आंसर फॉर्म करने के पीछे जो लॉजिक बता रहा हूं, दो चार मिनट में जो बोल रहा हूं, प्लीज उस वाक्य को ध्यान से देखिएगा, और नहीं समझ में आए तो जरा पीछे जाके बैक जाके फिर उसे देख लीजिएगा, ठीक है ना। ठीक है भाई, देयरफोर नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड इन बैलेंस शीट और पीएल अकाउंट या इन बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/2017 बट सिंस लॉस इज 30 lakhs चेक वेदर ड्यू टू दिस लॉस द गोइंग कंसर्न एजम्पशन of the company is in danger in such circumstances in danger or not, ऐसे लिखिए, आप चेक करो या तो हां होगा या ना होगा। इफ गोइंग कंसर्न कंसर्न इज स्टिल वैलिड, ठीक है, देन no adjustment or disclosure is required, no adjustment or disclosure is required in financial statement but it may be disclosed in director's report। आप इसे पसंद करेंगे director's report में disclose करना, director's report। ठीक है, बट इफ गोइंग कंसर्न एजम्पशन इज सीज टू बी इन एग्जिस्टेंस,
भाई खतरा है, डर है, अब नहीं चल पाएंगे हम, बहुत ज्यादा लॉस हो गया, देन एडजस्टमेंट ऑफ सच लॉस हैज टू बी मेड ऑन बैलेंस शीट डेट, करना पड़ेगा। याद है आपको क्यों करना पड़ेगा? मैंने आपको बताया था, बिकॉज गोइंग कंसर्न एजम्पशन सीज टू बी इन एग्जिस्टेंस। तो ये है इसका संपूर्ण जवाब। और तब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एजम्पशन भी दिखाएंगे और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम इसको एडजस्ट भी करेंगे। मेड लिख लो, मेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन बैलेंस शीट, या इन बैलेंस शीट डेटेड इसी बैलेंस शीट में आपको ये एडजस्ट करना पड़ेगा। तो बहुत सुंदर क्वेश्चन था। कई बार ऐसे इसमें क्वेश्चन आते हैं जो कंडीशनल होते हैं बालक, कि जिसमें ऐसा अगर सिचुएशन होगी तो ये आंसर होगा, ऐसी सिचुएशन होगी तो ये। डॉक्टर नहीं बोलते हैं कि देखिए मैं 2-4 दिन आपको दवा दे के देखता हूँ, अगर ठीक हो गया तो इससे अच्छी बात है, वरना आपका और गहन जांच करनी पड़ेगी, चेकअप कराना पड़ेगा, और मे भी आपको सर्जरी के लिए जाना पड़ेगा। वही वाली बातें हैं। अगर बीमारी छोटी है, गोइंग कंसर्न एग्जाम्पशन में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, फिर क्या दिक्कत है? आप मत करो कुछ, नो डिस्क्लोजर नो एडजस्टमेंट, डायरेक्ट रिपोर्ट में दिखाएंगे और अगले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाएंगे। लेकिन अगर बीमारी गंभीर है तो सर्जरी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि गोइंग कंसर्न एग्जाम्पशन सीज हो रही है। तो फिर ऐसे सिचुएशन में हम इसे 31-3 वाले बैलेंस शीट पीएल में ही एडजस्ट करके मानेंगे, याद रहेगा। चल, तो उम्मीद है आप सभी बच्चों ने इसका आंसर ठीक से देखा। थोड़ा सा मैंने जानबूझ के सारी बातें लिखी, थोड़ा ज्यादा लिखा, लेकिन भाई 5 नंबर का क्वेश्चन भी तो होता है, तो 5 नंबर का क्वेश्चन कभी कभी पौन पेज, कभी एक पेज चला जाए, तो ऐसी कोई बुरी बात नहीं है। आइए बेटा, अब हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। पढ़िए जरा, थर्ड क्वेश्चन। अच्छा, मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, ये सारे ही क्वेश्चन कहाँ से लिए गए हैं? सीए इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में, तो आपके पास वहीं पे देख लीजिए। वैसे मैं बता दूं, ये जो नोट्स है मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, ठीक है? और इस वीडियो का, इससे का चैनल का भी, क्या बोलते हैं इसको, ज्यादा पता नहीं, यूट्यूब चैनल का लिंक भी मैं आपको वहां पर डाल दूंगा, ठीक है बच्चों? तो देखिए जरा कैसे देखा जाए, कैसे देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। कंपनी हैज फाइल्ड ए लीगल सूट अगेंस्ट द डेटर, 15 लाख रिकवरेबल एज ऑन 31/3/2015-17। द चांसेज ऑफ रिकवरी बाई लीगल सूट आर नॉट गुड एज पर लीगल ओपिनियन गिवेन बाई काउंसिल। पैसा मिलने के चांसेज नहीं है, डेटर की हालत बड़ी गड़बड़ है, या हमारा क्लेम नहीं प्रूव हो रहा है। कैन कंपनी प्रोवाइड फॉर फुल अमाउंट 15 लाख एज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट? कैन कंपनी प्रोवाइड फॉर फुल अमाउंट ऑफ 5 लाख या 15 लाख एज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट? कैसा कर सकती है? यू हैव टू डिस्कस, करो डिस्कस। शुरू करें बेटा। देखिए ना, 15 लाख रुपए रिकवरेबल है नहीं है, अब लीगल ओपिनियन आ गया, इस अमाउंट को हम प्रोवाइड करें कि ना करें, ये सही पूछिए। तो इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट में नहीं है, ये बेसिकली कंटिंजेंसीज के बारे में है, ठीक है? लेकिन चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा पढ़ते हैं, दोनों को मिक्स करके पढ़ते हैं। केस हमने पहले फाइल कर दिया, लीगल ओपिनियन हमें बाद में मिला, थोड़ा केस आगे बढ़ा तब। अब हमें लग रहा है कि भाई ऐसी घटना हो गई है जिसमें हमें प्रोविजन बनाना चाहिए, हमें इसका डिस्कशन करना है,
तो जरा मैं क्वेश्चन फिर से समझाऊं आपको, ये लीजिए एस थ्री स्टडी मटेरियल, आई सी ए आई स्टडी मटेरियल क्वेश्चन नंबर थ्री ऑफ एस फोर। देखिए हमने केस यहीं कहीं फाइल कर दिया बैलेंस शीट डेट से पहले, इधर कहीं केस कर दिया कि भाई मेरे पैसे लाओ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा मान लीजिए यहां पे अप्रूवल हो रहा है, डेट तो नहीं दिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, लेकिन मान रहे हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अप्रूवल बाद में आ रहा है, ये है बैलेंस शीट डेट। अब यहां कहीं हमारा लीगल काउंसिल जो है उनका ओपिनियन आया कि भाई ज्यादा होपफुल मत बनो, मिलना डाउटफुल है, या तुम्हारा क्लेम नहीं प्रूव हो रहा, या उस डेटर की हालत ऐसी नहीं है कि हम उसे पैसे मांग सके, दोनों में से पता नहीं कौन सी बात है, क्या करें। हमारा अकाउंटेंट आप ही तो हैं हमारे अकाउंटेंट, आप डाउट में हैं। क्या डाउट है कि क्या हम इसका प्रोविजन यहां बनाएं या प्रोविजन हम अब बनाएं, क्योंकि अब बनाएंगे तो अगले साल चला जाएगा और यहां बनाएंगे तो पिछले साल के बैलेंस शीट पीएल में एडजस्ट करना पड़ेगा। क्या कहते हैं आप, एक काम करिए ना, आप एक अपना ओपिनियन जरा करिए। अच्छा मैं बता दूं, अगर कोई क्वेश्चन होते समय किसी भी तरह का डाउट बेटा आपके मन में आता है तो बेटा दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो है कि आप इस चैनल के नीचे चल कर रहे इस वीडियो के नीचे कॉमेंट कर दीजिए कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, ये डाउट है, क्या ऐसा भी हो सकता है, या आपका कोई और ओपिनियन है जो मेरे ओपिनियन से अलग हो, तो एक हेल्दी डिस्कशन तो हम लोग कर ही सकते हैं ना दोस्त, ठीक है ना। तो आप नीचे अपना ओपिनियन नीचे डालिए, या कोई क्वेरीज कोई भी प्रॉब्लम आप अपना ओपिनियन, कोई भी क्वेरी, ऐसी कोई भी चीज हो तो आप यहां डालिए, ठीक है, कहां कमेंट में। नहीं तो एक मेरा टेलीग्राम का फोन नंबर चैनल है, और टेलीग्राम पे आप हैं तो सीए भगवान लाल उस क्लासेस, उस पे मैंने डाला हुआ है, ये जो पीडीपी में क्या बोलते हैं उसको, पीडीएफ जो मैं पीडीएफ दिखा रहा हूं मैंने डाला हुआ है, आप वहां देख सकते हैं। और ये जो स्टडी मटेरियल मेरा है वो स्टडी मटेरियल भी मैं डाल दूंगा, ये एस फोर का जो भी मैंने बनाया है क्वेश्चन या उसका आंसर वो भी मैं डाल दूंगा। बाकी वीडियो तो दोस्तों आप देख ही रहे हैं, तो टेलीग्राम पे जाके भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर एस फोर में ये वाला क्वेश्चन बताइए, और टेलीग्राम का चैनल मैंने आपको बता ही दिया, सीए भगवानलाल क्लासेस खोजिए आपको मिल जाएगा, ठीक है, फोन नंबर की जरूरत नहीं, सीए भगवानलाल क्लासेस खोजिए। फिर भी अगर फोन नंबर आप चाहते हैं तो मैं दे देता हूं, उसकी कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। फोन मत कीजिएगा दोस्तों इस पे, जो मैसेज आपको देना हो आप मैसेज दे सकते हैं, टेलीग्राम का भी है व्हाट्सएप का भी है, ये टेलीग्राम भी है दोस्तों और व्हाट्सएप भी है, जिस पे आपका मन करे आप अपने ओपिनियन को मुझे दे सकते हैं। कोई भी किसी भी तरह का सीए इंटर की पढ़ाई में किसी भी तरह की आपकी समस्या आ रही हो, किसी भी पेपर की, हम लोग काफी बेटा टीम के रूप में काम करते हैं, हम लोग चार लोग हैं, मैं आपको अकाउंट कॉस्ट में देख रहा हूँ, हमारे टैक्स ऑडिट वाले सर हैं, हमारे लॉ वाले सर हैं, और हमारे ईएसआई वाले हैं। तो किसी भी तरह की कोई बात हो आप मुझे दीजिए, इसका जवाब हम आप लोगों को देने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है कि नहीं। तो आप कहीं भी बैठे हो, दिल्ली के, बिहार के, यूपी के, राजस्थान, जयपुर, अहमदाबाद, कहीं भी आप बच्चे बैठे हों, उड़ीसा, कोलकाता, मणिपुर, नेपाल या दुबई, कहीं भी हो, तो प्लीज आप अपनी क्वेरीज सीए इंटर से संबंधित किसी भी तरह की समस्या का समाधान के लिए आप यहां बात कीजिए, ठीक है ना। ये एक हेल्प चैनल है टेक्नोलॉजी का, मैं समझता हूं एक सही इस्तेमाल है, अगर हम एक स्वस्थ डिस्कशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में कर सकें और अपने इंटरमीडिएट में आने वाले सभी डाउट्स को यहां क्लियर कर सकें तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी दोस्तों। आपको मैं हेल्प कर पाऊंगा दिल्ली में बैठ के तो समझिए मेरे टीचर होने की सार्थकता है, नहीं कर पाऊं तो फिर बेकार है, ठीक है कि नहीं। तो ये बड़ी अच्छी बात होगी अगर आप हमसे, आप इस टेलीग्राम के चैनल पे जुड़े और अपनी क्वेरीज बेहिचक
किसी भी तरह की प्रोफेशनल क्वेरीज आप मेरे पूछ सकते हैं, लेकिन प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा वो सी इंटर के एग्जाम से संबंधित हो, ठीक है कि नहीं। आप कोई और बातें ना करें, सी इंटर के एग्जाम से संबंधित जो भी बात हो, पेपर से संबंधित, इवन टैक्स या लॉ वगैरह भी पूछेंगे तो टैक्स लॉ वाले सर की वीडियो भी आती रहती है, वो अपना फोन नंबर देंगे, आप उनसे कर सकते हैं। मेरे से आप क्या क्या पूछ सकते हैं, अकाउंट जो मुझे आता है वही तो बता पाऊंगा बेटा, कॉस्टिंग या एफएम और मुझे आता ही नहीं, टैक्स आता नहीं, हालांकि मैंने कंपनी सेक्रेटरीशिप किया हुआ है तो मुझे आना चाहिए था लॉ, लेकिन अब लॉ भूल गया मैं सारा, मुझे ज्यादा नहीं आता, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं बेटा। आप बस ये प्रैक्टिकल पेपर जो है ये मेरे से पूछिए, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। मैं ये तो नहीं कहता तुरंत आपको आंसर दूंगा, लेकिन आंसर दूंगा जरूर, इस बात की पूरी गारंटी है, ठीक है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन पे लौट के आते हैं कि केस यहां किया, बैलेंस शीट डेट है, यहां पे लीगल ओपिनियन है, और यहां पे क्या है बेटा, डाउट हो रहा है मुझे, बहुत डाउट हो रहा है, क्योंकि लीगल ओपिनियन है कि भाई पैसा नहीं मिलेगा, तो फिर ऐसे में हम क्या करेंगे, ठीक है ना। आइए दोस्तों मैं आपसे बात करता हूं कि ऐसे में हमें क्या करना होगा। चलिए लिखते हैं, लिखिए, एज पर वही बातें, एस फोर इफ, देख लीजिए ना, आप खुद से देख लीजिए बेटा, मेरी बात नहीं मानिए, आप खुद से देखिए। क्या कहता है एस, कि अगर कोई फर्दर इविडेंस प्रोवाइड होता है तो ये एडजस्टिंग इवेंट है। मुझे लगता है काउंसिल का ये कहना कि डाउटफुल है, ये फर्दर इविडेंस है, और हमने केस क्यों किया था, क्योंकि पैसे नहीं दे रहे थे, तभी तो केस किया था, तो कंडीशन बैलेंस शीट डेट को थी, वो पैसे नहीं दे रहे थे, काउंसिल का ओपिनियन अब आ गया कि पैसा सही में नहीं मिलेगा, डाउटफुल है, तो ये फर्दर इविडेंस है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे बेटा, हम इसे बोलेंगे एडजस्टिंग इवेंट। सही कह रहा हूं, इट इज एन एडजस्टिंग इवेंट। चलिए इफ एडिशनल इविडेंस इविडेंस इज प्रोवाइडेड बाई, इफ एडिशनल इविडेंस इज प्रोवाइडेड बाई एन इवेंट after balance sheet date but before date of approval by approval of financial statement by competent authority then that event is termed as adjusting event and termed as adjusting event and adjustment is required in balance sheet and income statement on balance sheet date itself, भले वो बाद में हुआ है लेकिन उसी डेट में हमें करना पड़ेगा, यही कहता हमारा एस फोर। अब हमने क्या लिख दिया दोस्तों, हमने प्रोविजन लिख दिया,
अब चलिए इसको इस केस में हम अप्लाई करके देखते हैं. इन द गिवेन केस डेटर्स आर नॉट पेइंग इट मीन्स कंडीशन ऑलरेडी एग्जिस्टेड ऑन बैलेंस शीट डेट नाउ काउंसिल लीगल ओपिनियन इन अप्रैल काउंसिल लीगल ओपिनियन इन अप्रैल provided the further evidence that debtors are doubtful chances of recovery is not good, therefore it should be treated as add adjusting event should be treated as adjusting event. इसमें कोई दो मत नहीं है. और अगर ऐसा है ये adjusting event है तो बोलिए बेटा क्या करें. provision या मैं लिखता हूं sufficient provision must for doubtful debt must be made on balance sheet date 31/3/2017. हाँ या ना. क्या कहते हो. ठीक है चलो फिर. तो ये आपके एस थ्री की बात. इस वीडियो में यही रुकता हूं. फिर अगली वीडियो में दोस्तों हम लोग आपके साथ. अभी बहुत सारे क्वेश्चन मैं देख रहा हूं. एस फोर है, फाइव है, सिक्स है, सेवन है और टेस्ट योर नॉलेज भी है. इन चारों क्वेश्चन को, पांचों क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करेंगे. और एक काम कीजिएगा, तब तक आप खुद से भी लिखिए. आप खुद से लिख के रखिए और स्टडी मटेरियल से कंपेयर कीजिए. देखिए तो क्या होता है, कर पाते हैं कि नहीं, कितने नजदीक आप आंसर के पहुंच पाते हैं. 100% ना सही, लेकिन दोस्तों हम 70-80-90% भी और आंसर के पास पहुंचने लगे तो उसमें कोई बुराई थोड़े ना है. ठीक है मेरे बालक. चलिए मिलते हैं इसके पार्ट थ्री के साथ. धन्यवाद. ओके बाय. बेस्ट विशेष.